एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने इंडस्ट्री को कई सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब एक बार वो देवानंद के साथ काम कर रही थी तो काफी ज्यादा डर गई थी और जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। दरअसल एक बार जब हेमा देव शाहब के साथ फिल्म में काम कर रही थी तो वो अचानक तेजी से रोने लगी और चिल्लाने लगी कि किस्सा फिल्म जॉनी मेरे नाम के दौरान का है, जब हेमा को एक ऐसे बुरे अनुभव से गुजरना पड़ा था जिससे कोई गुजरना नहीं चाहेगा। जिसके बाद हेमा मालिनी कुछ इस कदर डर गई थी को बुरी तरह रोने लगी, चिल्लाने लगी थी। साल 2019 में एक इंटरव्यू के दौरान हेमा मालिनी ने खुद इस घटना का जिक्र किया था। हेमा मालिनी ने बताया था कि उनकी माँ जया देवानंद की बहुत बड़ी फैन थी। मैं खुद देव साहब का नाम सुनते हुए बड़ी खुश हुई थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मुझे भी देवानंद के साथ फिल्म करने का मौका मिलेगा। हेमा मालिनी बताती है कि जब मुझे फिल्म जॉनी मेरा नाम का ऑफर मिला तो मैंने देव साहब का नाम सुनते ही उनके लिए हाँ कर दी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं उस वक्त कितनी नर्वस हुई होगी। हालांकि देव साहब और विजय साहब ने मेरा बेहद ख्याल रखा। फिल्म में एक गाने की शूटिंग केवल कार में होनी थी, लेकिन सेंटर पर आकर केवल कार अटक गई और फिर क्या हेमा मालिनी की सांसें अटक गईं। वहाँ इतनी गहराई थी जिसे देखकर हेमा मालिनी के होश उड़ गए और वो बुरी तरह से रोने लगी, चिल्लाने लगी। हालांकि देवानंद ने हेमा मालिनी को देखते हुए उन्हें इस डर से निकाल लिया था। देवल परिवार कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन पीछे क्या छूटता जा रहा है, क्या मिसिंग है, इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता। जी हाँ, देवल परिवार की सदस्य हेमा मालिनी की बात करें जिन्हें देवल परिवार ने आज तक नहीं अपनाया, और इनका नाम आते ही देवल परिवार भी वहाँ से उठकर चल देता है। इस वक्त सनी देवल गदर 2 का प्रमोशन करें और लगातार उन्हें कुछ ऐसे ही सवालों का सामना करना पड़ा है जो कि हेमा मालिनी से जुड़े। ऐसे में सनी देवल को गुस्सा आते आते रह जाता है और वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि कई बार हेमा मालिनी की वजह से वो हाथ उठा चुके हैं और तो और अब तो वो मीडिया के सामने चिल्लाकर जवाब भी देते हैं। हाल ही में सनी देओल ने कहा कि सबकी अपनी लाइफ है, सब अपने तौर तरीके से जी रहे हैं। मेरे पिता अगर एक्टर ना होते तो शायद हम भी इस बारे में नहीं सोचते, और हमारे वो आइकन है, उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई है, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं हूँ। किस बारे में सनी देओल ने ऐसा कहा समझने वाले समझ गए होंगे। शायद धर्मेंद्र और हेमा को एक साथ आज भी सनी देओल नहीं देखते होंगे, वो हेमा मालिनी के नाम से ही नफरत करते हैं। सनी देओल गदर 2 के प्रमोशन के साथ साथ अपने पिता धर्मेंद्र की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को लेकर भी लगातार सुर्खियों में एक के बाद एक रिएक्शंस का सामना करना पड़ा है। सनी देओल रियल लाइफ में बहुत गुस्से वाले एक्टर हैं, लेकिन ना जाने हेमा मालिनी का नाम आते ही वो खुद को कैसे संभालते होंगे कि अब धर्मेंद्र और शवाना की केमिस्ट्री पर लोग चुटकियां ले रहे हैं तो सनी देओल का मूड भी खराब हो रहा है। हालांकि सनी देओल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देखने जाने वाले थे, लेकिन सवालों से बचने के लिए उन्होंने इस को कैंसिल कर दिया और यही बोल रहे हैं कि वो फिल्म नहीं देखते हैं। सनी देओल अपने ही पिता की फिल्म नहीं देखते हैं या फिर किसी भी फिल्म को नहीं देखते हैं, ये भी बड़ी बात है। इससे पहले तो सनी देओल के मुंह से ऐसा कोई शब्द नहीं सुना, जबकि बेटे की फिल्म देखने वो पहले नंबर पहुंचे थे। तो पिता धर्मेंद्र की फिल्म को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? क्या धर्मेंद्र के किसिंग सीन से वो भी नाराज हैं? क्या धर्मेंद्र के किसिंग सीन के हजारों सवालों से बच रहे हैं सनी देओल, या फिर किसिंग सीन को देखकर उन्हें भी गुस्सा आ सकता है और इस गुस्से में वो अपना आपा खो सकते हैं और फोन फेंक कर मार सकते हैं या फिर मूवी देखे बिना आ सकते हैं। अभी धर्मेंद्र को लेकर एक शॉकिंग खबर सामने आई है। जी हाँ, धर्मेंद्र का सपना है कि वो मरते दम तक कैमरे के सामने रहें, यानी फिल्मों में काम करते रहें और कर भी रहें। हाल ही में धर्मेंद्र को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में आलिया रणवीर के दादा का रोल करते देखा गया था और इसी फिल्म से धर्मेंद्र को तरह तरह के कॉम्प्लीमेंट मिले, कॉमेंट भी मिले। कुछ लोगों ने धर्मेंद्र के किरदार को शाबाशी देते हुए कहा कि बुढ़ापे में भी वो इतने बेहतरीन रोल कर रहे हैं, वाकई बहुत बड़ी बात है। तो कुछ लोगों ने उन्हें बेसहारा भी बताया। कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र खुद इंडस्ट्री के डायरेक्टर से विनती करते हैं कि मुझे कोई ना कोई रोल दे दो, लेकिन इंडस्ट्री को कुछ नए कलाकारों की जरूरत होती है, जवान कलाकारों की जरूरत होती है। ऐसे में धर्मेंद्र की अब कोई जगह नहीं रह गई, कोई वैल्यू नहीं रह गई। जिस धर्मेंद्र ने इंडस्ट्री को 60 साल दिया, अब उनके लिए बुढ़ापे में कोई रोल नहीं रह गया। एक तरह से इंडस्ट्री ने अब धर्मेंद्र को आउट कर दिया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि काफी ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद धर्मेंद्र को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में जगह मिली, लेकिन अब जरूरी नहीं उन्हें ऐसी कोई फिल्म मिल पाए। कहीं ना कहीं हेमा मालिनी ने इसी बात के डर से पहले ही राजनीति में अपनी जगह बना ली, लेकिन धर्मेंद्र अपने अपमान के बाद भी इंडस्ट्री में ही काम करना चाहते हैं। अभी हेमा मालिनी का इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने फिल्म करियर को लेकर बात की और साथ ही ये भी बताया कि वो फिल्मों में आना चाहती हैं कि नहीं। हेमा मालिनी करीब 3 साल से फिल्मों से दूर राजनीति में अपना दमखम दिखा रही हैं, लेकिन हेमा फिल्मों में आने की इच्छा भी रखती हैं। उन्होंने कहा जब कोई अच्छा रोल मिलेगा तो जरूर करेंगी, लेकिन नेगेटिव रोल से दूर रहती हैं क्योंकि मैंने जिंदगी में किसी का बुरा ना सोचा है, ना मुझसे होगा। इससे इमेज भी वैसी ही बन जाती है और मैं नेगेटिव से दूर रहती हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। वही हेमा से पूछा गया
पूछा कि वो धर्मेंद्र के संग किस फिल्म में कब काम करेंगी, तो हेमा ने कहा कि पता नहीं धर्मेंद्र के संग किसी फिल्म में अब काम कर पाऊंगी कि नहीं। अब न जाने हेमा ने ये क्या सोच कर ऐसा बोला। कहा तो ये बेचारा है कि हेमा को धर्मेंद्र की उम्र का डर सताने लगा है। अब धर्मेंद्र 88 साल के हो चुके हैं, बेशक वो अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं, अपने फार्म हाउस में पशु पक्षियों की देखभाल भी करते हैं, लेकिन इस उम्र में उनके लिए ज्यादा काम करना भी ठीक नहीं है और फिल्मों में मेहनत भी थोड़ी बहुत करनी होती है। करीब 3-4 सालों से हेमा मालिनी फिल्म इंडस्ट्री से दूर हैं, लेकिन आज भी 75 साल की हेमा मालिनी के फैंस उन्हें फिल्मों में देखने के लिए बेताब रहते हैं। आज भी लोगों की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी है और अपने फैंस की डिमांड पर हेमा मालिनी फिर से उनकी इच्छा पूरी करने के लिए फिर से फिल्मों में आना चाह रही है, लेकिन उसके लिए हेमा ने एक शर्त रखी है। हेमा मालिनी का कहना है कि उनका रोल धांसू होना चाहिए और नेगेटिव रोल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और जिस दिन हेमा मालिनी की इच्छा पूरी हुई तो समझो उनके फैंस की मनोकामना पूरी हो गई। बेशक हेमा मालिनी के फैंस को उनसे बहुत उम्मीदें हैं, तो वो जरूर अपने फैंस के लिए कोई ना कोई फिल्म में जरूर काम करेंगी। जब 88 साल के धर्मेंद्र रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में किसिंग सीन कर सकते हैं, तो हेमा मालिनी क्या दादी नानी या माँ का रोल नहीं कर सकती हैं? वैसे आप हेमा मालिनी को उनकी इस उम्र में किस रोल में देखना पसंद करते हैं, और अगर हेमा को भी धर्मेंद्र की तरह किसिंग सीन करना पड़ गया तो क्या वो कर पाएंगी? हेमा मालिनी राजनीति में भी अपना नाम कमा रही है, लगातार संसद से हेमा मालिनी के बेहतरीन खूबसूरत फोटो सामने आते रहते हैं, अब बस फिल्मों में देखने का इंतजार किया जा रहा है। धर्मेंद्र शवाना की किसिंग सीन वाला मुद्दा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। धर्मेंद्र के बयान के बाद अब शवाना आजमी ने अपने शॉकिंग इंटरव्यू से सबके होश उड़ा दिए और साथ ही भड़कती दिखाई। इन्होंने जोश में आकर कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। शवाना ने कहा कि मैंने भी स्क्रीन पर बहुत कम किसिंग सीन किए हैं, लेकिन इस उम्र में ऐसे सीन की मैं उम्मीद खो चुकी थी, लेकिन जब उनके सामने धर्मेंद्र का नाम आया तो वो एक बार भी इनकार करने का विचार नहीं कर पाए, बल्कि ये सुनकर उनका दिल खुश हो गया। उन्होंने इस बारे में सुनकर मन में प्लानिंग बना ली थी। शवाना ने कहा इस सीन पर शूटिंग सेट पर पूरे टाइम सीटियां बजी, तालियां बजी। शवाना ने आगे कहा कि धर्मेंद्र जैसे हैंडसम इंसान के साथ कौन ही ये सीन नहीं करना चाहेगा, और फिर इससे मेरे पति जावेद अख्तर को कोई दिक्कत नहीं है तो लोगों को क्यों परेशानी हो रही है। मुझे लगता है कि इस सीन से धर्मेंद्र या उनकी फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब शवाना को क्या पता कि हेमा इस सीन की वजह से धर्मेंद्र से कितना नाराज है।